अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रोशनी टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। खबरनामे का आगाज़ करते हैं हदीस मुबारका से। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक अल्लाह ताला और उसके फरिश्ते आसमानों और ज़मीनों की तमाम मखलूक़, हत्ता के चींटियाँ अपने बिलों में और मछलियाँ समंदर के पानियों में उस शख्स के लिए दुआएं मांगती है जो लोगों को दीन की तालीम देते हैं। आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज के अहम सुर्खियों पर। चीफ मिनिस्टर केसीआर हेलीकॉप्टर में निजामाबाद पहुंचे। केसीआर से मिले उम्मीदवार के साथ वजीर पोचराम श्रीनिवास चढ़ी ने इस्तकबाल किए। शहर में वोटर दर्ज करने आए, दरख्वास्तों को फौरन ऑनलाइन में दर्ज करें, कलेक्टर राममोहन राव। इंतखाबात के दौरान चीफ मिनिस्टर केसीआर शुरू की अजीम शान जलसे आम इंतहाई अहमियत इख्तियार किया है। निजामाबाद एमपी कविता एक हफ्ते से जलसे आम की जगह पर मौजूद रहकर मुआयना किए। निजामाबाद के कृराज कॉलेज के ग्राउंड में कारगुजार टीम केसीआर की आमद के लिए जलसे की तैयारियां जोरों शोर में नजर आए। जगह जगह बैनर्स नजर आए, लेकिन कहीं पर भी उर्दू में बैनर्स नजर नहीं आए। अफसोस की बात है, बल्कि तेलंगाना में उर्दू जुबान को दूसरी जुबान का दर्जा दिया गया। अब होंगी खबरें तफसील से। चीफ मिनिस्टर केसीआर हेलीकॉप्टर में निजामाबाद पहुंचे। टीआरएस से मिले उम्मीदवार के साथ वजीर पोचराम श्रीनिवास रेड्डी ने इस्तकबाल किए। शहर में गृहराज कॉलेज में कायम किए जलसेआम में हाजिर हुए कारगुजार चीफ मिनिस्टर केसीआर हेलीकॉप्टर में सीधे जलसेआम के मुकाम के पास कायम किए हेलीपैड के पास पहुंचे। चीफ मिनिस्टर केसीआर को जिले के वजीर पोचराम श्रीनिवास रेड्डी, एमएलए उम्मीदवार बीगाला गणेश गुप्ता, जीवन रेड्डी, बाजी रेड्डी गोवर्धन, प्रशांत रेड्डी, शकील आमिर, रविंदर रेड्डी वगैरह ने जाकर इस्तकबाल किए। बाद अजान जलसेआम के स्टेज के पास खुसूसी बस के पास पहुंचे चीफ मिनिस्टर केसीआर को एमपी कविता ने कदम बोसी करके इस्तकबाल करने पर केसीआर ने आशीर्वाद दिए। बाद में टीएनजीओस यूनियन के कायदीन, राइस मिल लीडर मोहन रेड्डी, जीवन रेड्डी, साबिक हाई स्पीकर सुरेश रेड्डी इस्तकबाल करने के बाद सुरेश रेड्डी से केसीआर मुलाकात की। రాష్ట్ర సాధనంగా ఏకైక లక్ష్యంగా ప్రాణాలు సైతం త్యాగం చేయడానికి సిద్ధపడి తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని సాధించిన మహాశక్తి కేసీఆర్ దాదాపు 70 సంవత్సరాల పోరాటం, వేల మంది బలిదానం, నీళ్లు నిధులు నియామకాలు, దోపిడీదారులకు చమరగీతం పాడి స్వరాష్ట్రం సాధించిన మన ప్రియతమ నాయకులు మహావ్యక్తి అయిన కేసీఆర్ గారికి స్వాగతం, సుస్వాగతం. మిషన్ కాకతీయ, మిషన్ భగీరథ, అదే విధంగా రైతులకు అండదండలుగా ఉన్న మన ప్రియతమ నాయకులు సభా వేదిక మీకు వచ్చారు, వారికి చేతులెత్తి शहर में वोटर दर्ज करने आए, दरख्वास्तों को फौरन ऑनलाइन में दर्ज करें, कलेक्टर राममोहन राव ने अहदेदारों को अहकाम जारी किए। काकतिया महिला विजय इंजीनियरिंग कॉलेज का दौरा करके
ووٹر درخواستوں کو درج کرنے کے عمل کا معائنہ کیا. گزشتہ ماہ 10 تاریخ سے 25 تاریخ تک شہر میں ووٹر درج کرنے کے لیے تبدیلی و ترمیم میں بھاری تعداد میں درخواستیں چلے آنے سے ان کو آن لائن میں درج کرنے کے لیے کلیکٹر خصوصی کاروائیاں کرنے کے لیے کمر بستہ ہو گئی ہے. میونسپل کارپوریشن عملہ کمپیوٹر ناکافی ہونے کے لیے وہاں انٹرنیٹ سست رفتاری سے کام کرنے سے متبادل انتظامات کرنے کے احکامات دیے. اس کو کاکتیا مہیلا وجے انجینئرنگ کالجز تلنگانہ یونیورسٹی میں بھاری تعداد میں کمپیوٹرز قائم کر کے خصوصی ماہرین سے درخواستوں کو تفصیلات کمپیوٹر کے ذریعے آن لائن میں درج کرنے کے احکامات دیے. یہ سینٹروں میں ان کو درج کرنے کے لیے ضلع کوآپریٹو آفیسر سمہاچلم، ضلع سوشل ویلفیئر آفیسر شراونتی، ڈی آر ڈی او ونے کمار کے طور پر قائم کیے. این آئی سی آفیسر راج گوپال کو ٹیکنیکی مسائل کی یکسوئی کرنے کے احکامات دیے. مجھے ہر وقت درج کرنے کے عمل کو ان مراکز میں معائنہ کی، آج یہ عمل مکمل کرے. میونسپل کمشنر جین سامسن کو احکامات دیے. انتخابات کے دوران چیف منسٹر کے سی آر شیو کی عظیم الشان جلسہ عام انتہائی اہمیت اختیار کیا ہے. نظام آباد ایم پی کویتا ایک ہفتے سے جلسہ عام کی جگہ پر موجود رہ کر معائنہ کیے. انتہائی اہمیت سے قائم کیے ٹی آر ایس کے جلسہ عام میں متحدہ اضلاع نظام آباد، ضلع عوام کے ساتھ ضلع مستقر گریراج سرکاری ڈگری کالج میدان میں آج منعقد کر رہے ہیں. جلسہ عام کے انتظامات مکمل ہوئے ہیں. ضلع تمام گلابی جھنڈوں سے چیف منسٹر کے سی آر کٹ آؤٹ بیچز سے کنٹیشور بائی پاس کے پاس استقبالی کمان سے انتہائی خوبصورتی سے شہر قائم ہوا ہے. عوام کو جمع کرنے کے لیے دیہاتوں میں پارٹی شائقین نے سواریوں کے انتظامات کیے ہیں. جلسے عام کے علاقے میں تقریباً 100 افراد بیٹھنے کی طرح نشانات کو تعمیر کیے. کلاکاروں کے مظاہروں کے لیے چھوٹا اسٹیج خاص طور پر قائم کیے. میدان کے احاطے میں گیلری قائم کی. جلسے عام کے مقام پر پینے کے پانی کی سہولت کے ساتھ پارکنگ جگہ وغیرہ کو قائم کی. اسی طرح گریراج کالج میدان میں احاطے میں ہیلی پیڈ قائم کی. آج 2 بجے جلسے عام کے اجلاس میں چیف منسٹر کے سی آر ہیلی کاپٹر کے ذریعے نظام آباد پہنچ رہے ہیں. اس کے علاوہ جلسے عام کے مقام پر اور کوئی رکاوٹ نہ ہونے دے 1300 پولیس عملے سے سخت بندوبست و حفاظتی اقدامات کیے ہیں. قدم قدم پر خصوصی نگاہ کے ساتھ بھاری بندوبست قائم کیے ہیں. نظامباد کے گریراج کالج کے گراؤنڈ میں کارگزار سی ایم کے سی آر احمد کے جلسے عام میں تیاریاں زوروں شوروں پر نظر آئی. جگہ جگہ بینرز نظر آئے لیکن کہیں بھی اردو میں ایک بینر بھی نظر نہیں آیا. افسوس کی بات ہے، اردو کی زبان کو دوسرا درجہ دیا گیا ہے. شہر نظام آباد میں کارگزار سی ایم کے سی آر کی عوام سے ملاقات کے لیے انتظامات کیے گئے ہیں. گریراج کالج کے گراؤنڈ میں سجا کر گلابی سمندر بنا دیا گیا، مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ اردو میں کئی بینر اور نہ ہی بورڈ نہیں نظر آئے، جبکہ تلنگانہ کی دوسری زبان اردو مانی جاتی ہے. اس کے باوجود بھی اردو زبان کے ساتھ سوتیلا سلوک کیا جاتا ہے اور پورے نظام آباد کو سجا دیا گیا اور سجا کر گلابی کر دیا گیا، جس میں کہیں پر بھی اردو نظر نہیں آیا. مائنورٹی لیڈرز اردو میں بینر یا بورڈ لکھنا ضروری نہیں سمجھے، جبکہ پاپولیشن کے اعتبار سے مسلمان نظام آباد اربن نے برادری کا درجہ رکھتے ہیں. اس کے باوجود اردو کے ساتھ سوتیلا سلوک کیا جا رہا ہے. مائنورٹی لیڈرز کو چاہیے کہ ایسے بڑے پروگرامز میں اردو بینرز بھی لگوایا جائے یا اردو بینر کے لیے ترجیح دی جائے. ایک نظر وقفے پر. سما براڈ بینڈ نظام آباد میں انٹرنیٹ کی دنیا کا واحد اور بے مثال براڈ بینڈ
3 साल खिदमत के बाद समा ब्रॉडबैंड अपने 4th साल में कामयाब अंदाज में दाखिल। अवाम में अपनी बेलोस और बेहतरीन खिदमत की वजह से बेहद मकबूल और पसंदीदा समा ब्रॉडबैंड दीगर इंटरनेट मार्केट से ज्यादा कम दाम और बिल्कुल आपके बजट में बेस्ट प्लान के साथ तेज और बेहतरीन खिदमत मुहैया करने वाला वाहिद मरकज समा ब्रॉडबैंड। किसी और इंटरनेट में इस तरह की खिदमत हासिल नहीं, दीगर इंटरनेट मार्केटों से कहीं ज्यादा सस्ते और तेज खिदमत का लुत्फ उठाएं। समा ब्रॉडबैंड में 5 Mbps स्पीड के साथ 40 GB डेटा लिमिट के लिए आपको महाना अदा करना होगा सिर्फ 399 रूपए और 3 माह में अदा करें सिर्फ 1,049 रूपए। 6 माह के लिए बजट होगा सिर्फ और सिर्फ 1,999 रूपए। मुख्तस लिमिट के बाद 1 Mbps स्पीड के साथ लामहदूद डाटा की खिदमत का मजा उठाएं। 10 Mbps स्पीड के साथ 80 GB डाटा लिमिट के लिए महाना अदा करें सिर्फ 599 रूपए, 3 माह के लिए सिर्फ 1,649 रूपए और 6 माह के लिए सिर्फ और सिर्फ 2,999 रूपए। लिमिट के बाद 1 Mbps रफ्तार के साथ लामहदूद डाटा खिदमत से लुत्फ़अंदोज हो। 20 Mbps स्पीड के साथ 150 GB डाटा लिमिट के लिए महाना अदा करें सिर्फ 1,199 रूपए, 3 माह के लिए 3,299 रूपए और 6 माह के लिए अदा करना होगा 5,999 रूपए। और डाटा लिमिट खत्म होने के बाद 2 Mbps रफ्तार के साथ अनलिमिटेड खिदमत से इस्तेफादा हासिल करें। समा ब्रॉडबैंड में पहली बार 6 माह प्लान की खिदमत लेने वाले अजीज ग्राहकों को 5 साल वारंटी वाईफाई रूटर मुफ्त दिया जाएगा। दीगर इंटरनेट मार्केटों से ज्यादा बेहतरीन और बेलोस खिदमत बजा लाने वाला आपका अपना पसंदीदा समा ब्रॉडबैंड। हमारा पता GTPL ऑफिस, जिला परिषद ऑफिस, सुभाष नगर, निजामाबाद। अब आरमोर शहर में भी समा ब्रॉडबैंड की बेमिसाल खिदमत दस्तियाब। पता समा ब्रॉडबैंड, महावीर स्टोर के अक में, मामड़ीपल्ली एक्स रोड, आरमोर। वक्फे के बाद आपका दोबारा इस्तकबाल है। चीफ मिनिस्टर KCR के जलसयाम में 126 अफराद को स्टेज पर आने की इजाजत दी। तमाम MP कविता के डायरेक्शन में जलसयाम हुआ है। शहर में हुए चीफ मिनिस्टर KCR के जलसयाम के स्टेज को बहुत खूबसूरती से तैयार की। उम्मीदवारों को पहले लाइन में बैठने की तरह उनके नामों को लिखकर सीटों को मुख्तस किए। स्टेज के दरमियान चीफ मिनिस्टर KCR आते ही दाएं तरफ वजीर पोचाराम, उनके बाजू MP कविता, फिर उनके बाजू जहीराबाद MP बीबी पाटिल, ZP चेयरमैन राजू, मिशन भगीरथा वाइस चेयरमैन वेमला प्रशांत रेड्डी, रविंद्र रेड्डी, शकील आमिर, मोहन रेड्डी, मेयर सुजाता, नोडा चेयरमैन प्रभाकर, राज्यसभा के रुकन संतोष बैठे। चीफ मिनिस्टर KCR इधर से बाएं जानिब साधक हाई स्पीकर सुरेश रेड्डी, MLA उम्मीदवार बी गाला गणेश गुप्ता, बाजी रेड्डी गोवर्धन, हनुमान शिंदे, गंपा गोवर्धन, जीवन रेड्डी, DCCB चेयरमैन पटवारी गंगाधर बैठे। अब दूसरी वो तीसरी चौथी लाइन में म्यूनिसिपल चेयरमैन MPP ZPTC वगैरह ने हिस्सा लिए। ఈరోజు శుభదినం. నిజామాబాద్ కామారెడ్డి జిల్లాల నుంచి ఒక మంచి సందేశంగా आज के जलसयाम से खिताब करते हुए कारगुजार CM KCR ने माइनॉरिटीज के लिए दिए गए स्कीमात को MLA शकील आमिर ने बताया। आज शहर निजामाबाद में TRS पार्टी की जानिब से कारगुजार CM KCR की बोलने पर माइनॉरिटीज और मेजोरिटी सैकड़ों की तादाद में कारगुजार CM KCR का इजलास को सामर्थ करने के लिए जमा होकर जलसे को कामयाब बनाए। कारगुजार CM KCR ने कहा कि हमारे पूरे मुल्क में कोई CM भी माइनॉरिटीज को 2 करोड़ का बजट नहीं दिया और मैं तेलंगाना के माइनॉरिटीज के लिए 2 करोड़ का बजट दिया हूँ और शादी मुबारक और माइनॉरिटी स्कूल, हॉस्टल्स और तरह तरह के स्कीम दिया हूँ। लिहाजा माइनॉरिटीज निजामबाद जिले के 9 MLA कैंडिडेट को वोट देकर जिता कर लाया हूँ। किसी रियासत में भी
माइनॉरिटीज के लिए सालाना 2000 करोड़ का बजट कहीं भी दिया नहीं गया। हमारा शकील अहमद साहब बोधन के एमएलए साहब हाउस में भी असेंबली में भी बता चुके हैं, बाहर भी बता चुके हैं, कई किस्म के काम। आज हमारे बच्चियों के लिए शादी मुबारक, हमारे बच्चे और खवातीन के लिए 204 रेजिडेंशियल स्कूल अब आपके आपके इलाके में देख रहे हैं किस अंदाजे में काम चल रहा है। आज कांग्रेस चंद्रबाबू नायडू जो हमारे गद्दार है उसके साथ मिलके फिर टीआरएस को हराना चाहता है। मैं आपको बताना चाहता हूं, हमको मिटा सके ये जमाने में दम नहीं, हमसे जमाना है जमाने से हम नहीं। ये चंद्रबाबू नायडू और कांग्रेस की बस की बात नहीं है। जब तक आपकी दुआएं होंगे, आपके ताईद होंगे, जरूर हम आगे बढ़ते रहेंगे। इंशाल्लाह बहुत अच्छे रिजल्ट लेते रहेंगे और भी बहुत अच्छे काम आगे हमको करना है। इस जम्हूरियत में इंतखाबात के वक्त में आवाम ही खुदा होता है। आवाम अगर चाहता है तो ये लोग हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। सच्चाई को अगर आवाम जान सकता है तो कुछ नहीं बिगाड़ते। हमारे फानूस बनकर जिसकी हिफाजत हवा करे वो क्षमा क्या बुझे जिससे रोशन खुदा करे। इसीलिए अगर आपका ताईद हो, आप लोगों का ताउन हो, आप लोगों का आशीर्वाद हो, जरूर हम आगे बढ़ते रहेंगे, रियासत को और आगे लेके जाएंगे और हमारे माइनॉरिटीज के लिए और अच्छे कार्यक्रम लेंगे। तो मिलकर हिंदू मुसलमान एक जबरदस्त हम काम करते चलेंगे। इन्होंने कहा कि कारगुजार मिले शकील आमिर की भी माइनॉरिटीज इसके मात के लिए बहुत कोशिशें की हैं और इस प्रोग्राम में कारगुजार मिले शकील आमिर, आर्मूर मिले जीवन रेड्डी, बालकुंडार कारगुजार मिले प्रशांत रेड्डी, कामर रेड्डी कारगुजार मिले, गंपा गोवर्धन एन रेड्डी कारगुजार मिले, एन गो रविंद्र रेड्डी और एमएलए जुक्कल कारगुजार, सुरेश रेड्डी और तारिक अंसारी, फ्लोर लीडर एम ए कुद्दूस और तमाम टीआरएस के लीडर्स मौजूद थे। 19.17% మన ఆర్థిక ప్రగతి కంటిన్యూ గా 4 సంవత్సరాలు. ఈ సంవత్సరంలో గడిచిన 4-5 నెలల్లో మన ప్రగతి 19.83%. ఈ ప్రగతి ఎట్లా వచ్చింది, ఎట్లా సాధ్యమైంది, ఎంత క్రమశిక్షణ ఉండాలి, ఎంత అవినీతి లేకుండా ఉండాలి, ఎంత పటిష్టమైన పాలన ఉండాలి, ఒక్కటే ఒక ఉదాహరణ నేను మీకు చెప్తా ఉన్నా. ఇసుక మీద ఆదాయం వస్తుంది ప్రభుత్వానికి, ఇసుక మీద శాండ్ క్వార్ట్ శాండ్ మైన్స్ మీ అందరికి తెలుసు. 10 సంవత్సరాలు తెలంగాణ కాగముందు 10 ఏళ్ళు కాంగ్రెసే పరిపాలించింది. 10 సంవత్సరాల కాంగ్రెస్ పరిపాలనలో 10 జిల్లాలలో మన తెలంగాణలో ఇసుక మీద వచ్చినటువంటి ఆదాయం 9.56 కోట్లు, అంటే 9.5 కోట్లు. ఇప్పుడు 4 ఏళ్ళే అయింది బీమా వస్తుంది. ఇత్తనాల కోసం ఎరువుల కోసం పోలీస్ స్టేషన్లకు పోయినాం, ఎరువుల దుకాణాల కాడ వద్ద చెప్పుల లైన్లు పెట్టినాం, రోజు నిలబడితే 24 గంటలు నిలబడితే 2 బస్తాలు దొరకలేదు. ఇలా బాధ ఉందా? ఎందుకో లేదు. క్రమశిక్షణ ఉంటే, పటిష్టంగా పనిచేస్తే, మంత్రులు పోచారం శ్రీనివాస రెడ్డి లాంటి మంత్రులు ఉంటే ముందే తెచ్చి పెడతా ఉన్నాం. గోదాములు కట్టుకున్నాం, ఆ రోజు గోదాములు లేవు, 4 లక్షల మెట్రిక్ టన్లే ఉండే. ఇలా 23 లక్షల మెట్రిక్ టన్ల గోదాములు తెలంగాణలో ఉన్నాయి. శ్రీనివాసరెడ్డి గారి ఆధ్వర్యంలో వాటి నిర్మాణం అంతా జరిగిపోయినా. సబ్సిడీ మీద ట్రాక్టర్లు ఇస్తా ఉన్నాం, సబ్సిడీ మీద పనిముట్లు ఇస్తా ఉన్నాం. డ్రిప్ కావచ్చు, పాలీ హౌస్ కావచ్చు, 75% నుంచి 100% సబ్సిడీ మీద రైతులకు ఇచ్చే ఒకే ఒక రాష్ట్రం తెలంగాణ రాష్ట్రం. భారతదేశంలో వ్యవసాయ ట్రాక్టర్లకు, రైతులు వాడే ట్రాక్టర్లకు పన్ను లేని రాష్ట్రం, పన్ను రద్దు చేసిన రాష్ట్రం ఒక తెలంగాణ రాష్ట్రమే. चीफ मिनिस्टर के जलसयाम में कलाकार गाए गानों पर वजीर पोचराम श्रीनिवास रेड्डी ने नौजवान लड़के की तरह उनसे मिलकर डांस के कुछ स्टेप किए। शहर में हुए चीफ मिनिस्टर के सीआर की जलसयाम में साइको मार टीम की क्यादत में कलाकारों का मुजाहरा हुआ है। कलाकार गाते गाते तेलंगाना गानों पर वजीर पोचराम खामोश नहीं होकर वहाँ आई आवाम को देखकर दुगनी खुशी होने से कलाकारों के साथ मिलकर डांस करने से जबरदस्त सीटों वो चेखते हुए वो भी डांस किए।
इस पर खामोश नहीं रहकर स्टेज पर आने के बाद जिले से ताल्लुक रखने वाले टीआरएस एमएलए तमाम उम्मीदवारों से मिलकर दूसरी बार पोचर रमने डांस की। सब में नया जोश लाने से एमपी कविता ने तालियां बजाकर सबको मुबारकबाद देकर तारीफ की। उनके साथ टीआरएस कायदीन अरकान जहां किए वही गाने गाते हुए डांस की। गिरिराज कॉलेज तमाम गुलाबी रंग में डूब गया, जिधर देखो अवाम का सैलाब और जलसयाम की जगह तमाम पुर हो गई। निजामाबाद शहर में जीजी कॉलेज में मुतहदा सलाह से भारी अवाम चले आने से कॉलेज का मैदान तमाम गुलाबी रंग में दिखाई दिया। खवातीन को दोनों जानब खसूस गैलरी कायम की। वॉलंटियर्स अपने अपने मुकाम पर बिठाने के लिए काफी मुश्किलात का सामना किए। बास खवातीन बोना लेकर जुलूस की शक्ल में चले आए। खवातीन के बाद बाकी गैलरीज मर्दों को मुख्तस किए। वीवीआईपी को खुसूसी पास जारी किए। ये कुर्सियां थोड़ी खाली रहने से आम अवाम को इजाजत दी। कायदीन पुलिस से मुतालबा करने पर गैलरी की सतह से ज्यादा अवाम चले आने से वहाँ कायम करके साउंड सिस्टम के पास अवाम जमा रहने से थोड़ी मुश्किलात पेश आई है। एमपी कविता मुदाखलत करते हुए खुद वॉलंटियरों से मिलकर उनके पास जाकर इल्तिजा किए, जिधर देखो शाहराहें अवाम से भरी पड़ी थी। मिनिस्टर के जलसयाम के लिए भारी बंदोबस्त ड्यूटी पर 1331 अफराद पुलिस आमला 18 पार्किंग मुकामात कायम किए। चीफ मिनिस्टर के जलसयाम में पुलिस सख्त बंदोबस्त की है। ये बंदोबस्त में मेदक निजामाबाद के हुदूद में 1331 पुलिस अमला ड्यूटी अंजाम दिया है। इनमें ZSP, ASP 6, 14 DSP और CI 48, SI 118 बाकी कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, होम गार्ड्स ड्यूटी पर मौजूद थे। शहर में दुब्बा, गौतम नगर, बाईपास रोड, कंटेश्वर, सुभाष नगर इलाकों से जलसयाम में आने वाली सवारियों को मुश्किलात ना होने के लिए इन इलाकों में पुलिस ड्यूटी डाले हैं। मुतहदा सलाह से आने वालों को पार्किंग मुकामात मुख्तस किए। श्री रामा गार्डन, श्राविया गार्डन, CSI कॉलेज, गोपनपल्ली बाईपास रोड के पास नए कलेक्ट्रेट मैदान इलाका, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी बाईपास रोड से लगकर मौजूद इलाकों में पार्किंग कायम की। सवारियों को जलसयाम के करीब नहीं आने देने के लिए मुकर्रा पार्किंग मुकामात पर ही इजाजत दिए। ट्रैफिक की मुश्किलात ना होने के लिए हर क्रॉसिंग रोड पर पुलिस अमला मौजूद था। इसके लिए विनायक नगर दाखिला रास्ता, वर्ली चौरास्ता, अरसापल्ली, मुबारक नगर, गोपनपल्ली इलाकों में ट्रैफिक को रोकने के लिए पुलिस खुसूसी नजरें मरकूज की थी। Thank you.
దేశానికి విచ్చేసిన హిందూ భయంలో సభలు విచ్చేసిన ప్రజలందరికీ आर्मूर शहर में क्लॉक टावर से पिरकिट तक जीवन मार्ग में बीटी रोड के काम तेज रफ्तार से जारी है। जीवन मार्ग के साथ हाउसिंग बोर्ड अहम रोड के काम तेज रफ्तार से जारी है। गुज़िश्ता चंद सालों से सड़कों की खस्ता हालत से मुश्किलात का सामना कर रहे हैं आर्मूर शहर के अवाम के मसाइल दूर हो रहे हैं। शहर की तमाम सड़कें बीटी रोड में तब्दील होने से शहर की अवाम खुशी जाहिर कर रही है। गुज़िश्ता की विज़ा सड़कों पर दिलचस्पी नहीं लिए, सिर्फ जीवन रेड्डी से आर्मूर शहर तरक्की हासिल कर रहा है। शहर की सड़कें मजीद एक माह तक मुकम्मल इक्सुई हो रही है। शहर की अवाम खुशी जाहिर कर रही है। आर्मूर को तरक्की जीवन रेड्डी से ही मुमकिन है, अवाम बता रही है। ट्रेनिंग में जबरदस्त आगे बढ़ रहे IFS और IPS अहदेदार जकरानपल्ली मंडल तोरलीकुंडा गांव में ट्रेनिंग IFS IAS अहदेदार की महकमे जानकारी सेमिनार मुनाकिद किए। मुकामी आंगनवाड़ी मरकज और सरकारी स्कूलों व आंगनवाड़ी में प्लास्टिक की गजा अंडों की सरबराही मियारी गजा के मुतालिक आंगनवाड़ी आयाम को इसी तरह हामिला खवातिन व बच्चों को गजाई सरबराही के मुतालिक मालूमात हासिल किए। ट्रेनिंग के हिस्से में हुकूमत अमल कर रही इसकी मात अवाम को किस तरह फायदा मंद है, इसी तरह मरकजी व रियासती हुकूमतों की भलाई इसकी मात अवाम को मिलने की तरह हो रहे हैं अमल को मालूम किए। अभी चार दिन तक कई तरक्याती प्रोग्राम्स का जायजा ले रहे हैं बताया। पूरे जीपी में कितने बच्चे हैं आंगनवाड़ी में? पूरे जीपी में 6 आंगनवाड़ी है सर। इसके साथ देही सतह के अहदेदार और सेक्रेटरी राजेश्वर कारोबार संतोष वगैरह ने हिस्सा लिए। कांग्रेस पार्टी का ऐलामिया बेंगल मंडल मुस्तकिल में आज लिम्बादरी पहाड़ पर कांग्रेस मंडल सतह के अरकान का इजलास मुनाकिद की। कांग्रेस पार्टी मंडल के सदर सुरेंद्र की क्यादत में इजलास मुनाकिद की। इस प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी जिले कांग्रेस के सदर ताहिर बिन हमदान ने शिरकत करते हुए बताया कि मंडल में TRS हुकूमत बेंगल के साथ शदीद नाइंसाफी की है बताया। अप्रमत्तं चेस्तू कांग्रेस कार्यकर्ता ऐकमत्यंगा समैक्यंगा కాంగ్రెస్ పార్టీ అభ్యర్థి మనకు అభ్యర్థి ఎవరన్నది కాదు, కాంగ్రెస్ పార్టీ ఈ రాష్ట్రంలో అధికారంలో వస్తేనే ఈ కార్యక్రమాలన్నీ చేసుకుంటామనేటువంటి విషయాన్ని గ్రహించవలసిందిగా సూచించాను. అందుకొరకే చిన్న చిన్న ఏవైనా ఉన్నా మేము మనస్పర్ధలు. కాంగ్రెస్ పార్టీ అంటేనే ఒక జీవనది, ఎప్పుడూ పారుతుండే నది. చీఫ్ మినిస్టర్ కే జల్సియామ్ మే ఖాయిదిన్ భారీ తాదాద్ మే చలే ఆయే. निजामाबाद में चीफ मिनिस्टर KCR कर रहे अजीम शान जलसियाम में वेलपुर मंडल के साथ तमाम देहातों के कायदीन अरकान व पार्टी के शाकिन भारी तादाद में चले आए हैं। इसी सिलसिले में मंडल TRS पार्टी के सदर रजिता बलराज ने बताया कि चीफ मिनिस्टर KCR के जलसियाम में मंडल के तमाम देहातों के अरकान वो पार्टी शायकीन आजादाना तौर पर जलसे आम में चले आए हैं। तेलंगाना चीफ मिनिस्टर KCR अमल के इसकी मात हासिल किए मंजूरी को ये जलसे आम मंडल मुस्तकिल के साथ तमाम देहातों की अवाम चले आए हैं बताया। तेलंगाना रियासत कायम होने से पहले मोटे गांव की मिट्टी को चीफ मिनिस्टर KCR ले गए हैं। तेलंगाना के कयाम की जरूरत मोटे गाँव है, इसको हर तरह से तरक्की दिए है बताया। వారి సభకి మోతే గ్రామం నుంచి భారీగా తరలి వెళ్తున్నాం. ముఖ్యంగా గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారికి మోతే గ్రామానికి అవినాశ సంబంధం ఎప్పటి నుంచో ఉంది. 2001లో తెలంగాణ ఉద్యమం మొదలు పెట్టినప్పుడు ఈ గ్రామానికి ఈ గ్రామం ఏకగ్రీవంగా తీర్మానం చేయడం జరిగింది. అలాగే తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడిన తర్వాత ఈ రాష్ట్ర ఈ గ్రామం నుంచి మట్టిని తీసుకెళ్లి తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడిన తర్వాత ఈ గ్రామానికి వచ్చి ఆ ముడుపుని అప్పచెప్పి మళ్ళీ మీరు ఆశీర్వదించండి ముఖ్యమంత్రిగా మళ్ళీ ఈ గ్రామానికి వస్తానని చెప్పి ఇచ్చిన మాట ప్రకారం ఈ గ్రామానికి రావడం జరిగింది. शहर निजामाबाद में आज कारगुजार CM KCR की आमद पर निजामाबाद शहर में जगह जगह गुलाबी झंडे और अवाम का हुजूम नजर आया। निजामाबाद शहर में कारगुजार CM KCR की आमद पर जिले सतह पर होने वाला इजलास कामयाब रहा और इस इजलास में कामरेड्डी NRD आरमोर बांसवाड़ा बोधन
बालकुंडा और अतराफ वकनाफ की सड़कों के अफवाह केसीआर के जलसे को कड़ी धूप रहने के बावजूद भी जलसे में पहुंचकर जलसे को कामयाब बनाए और अवाम का ये हाल था कि एक दूसरे से टकरा रहे थे और जहां तक नजर डाले वहां गुलाबी सरों का समंदर नजर आया और जगह जगह खवातीन और नौजवान टीआरएस कायदीन का हुजूम नजर आया। अक्टूबर 1 तारीख को कौमी खून अतिया कैंप तकरीब के सिलसिले में आज जिले रेडी इंसदाद और रोकथाम इदारे की क्यादत में सरकारी जनरल हॉस्पिटल में जानकारी प्रोग्राम और खून अतिया कैंप कायम किए हैं। इस प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी के तौर पर डॉक्टर सुदर्शन, DMHO डॉक्टर रामलू, डॉक्टर प्रतिमा राजू, डॉक्टर शिवानी मेहमान खुसूसी के तौर पर हिस्सा लिए। DMHO सुदर्शनम ने बताया कि खून का अतिया जबरदस्त सवाब है, इसकी वजह से कोई मुश्किलात नहीं है। एक के इशार की वजह से 4 अफराद की जान बचाई जा सकती है बताया। इस प्रोग्राम में ज्यादा मकदार में खून अतिया दिए अफराद को और आजतना तौर पर खून अतिया कैंप कायम करने वालों को मोनेटों से तहनियत पेश किए। इसी तरह 15 नौजवानों ने खून का अतिया दिए हैं। गिरिराज कॉलेज के ग्राउंड में जलसे आम में MP कविता खिताब करते हुए कहा कि कारगुजार CM KCR बातों से काम नहीं किए हैं बल्कि बातों के साथ साथ कामों को भी बखूबी तौर पर बजा ला रहे हैं। CM KCR बखूबी कामों से मुसलमानों के दिलों में जगह बना रहे हैं। शहर निजामाबाद के गिरिराज कॉलेज के ग्राउंड में कारगुजार CM KCR की आमद पर जलसा मुनाकिद किया गया। जलसे आम से MP कविता ने अपने खिताब में कहा कि बातें तो हर कोई करते है, कारगुजार CM KCR काम करते हैं और जुबान तो हर किसी के पास होती है, मगर कारगुजार CM KCR साहब की जुबान जो बोलते हैं वो करते हैं। और अब इलेक्शन का सामना है, अब हर कोई वोट मांगने आता है, झूठ मूठ बोलकर वोट मांगते हैं और कारगुजार CM KCR मुसलमानों की बहबूदी के बारे में सोचते हैं और मुसलमानों की भलाई के लिए समझते हैं, लिहाजा TRS के कार के निशान को वोट दे और कारगुजार CM KCR के हाथ मजबूत करें। परिंदों के जैसे हैं, जितने भी प्यार से बुला लो उनकी असली फितरत तो आपको मालूम ही है। मैं आपसे इतना ही गुजारिश करना चाहती हूँ कि सबसे बड़ा हाथ तेलंगाना को बर्बाद करने में जिनका है उनका साथ मत दीजिए। जो जो पार्टी, जो नेता, जो लीडर आपके बलबूते के लिए काम कर रहा है सिर्फ उनके साथ दीजिए, KCR साहब के साथ दीजिए। आपको तो मालूम ही है जुबान सबका होता है, लेकिन कोई बकवास करता है और कोई बात करता है। KCR साहब बात करते हैं और सिर्फ हमारे मुसलमान कम्युनिटी के बलबूते के लिए बात करते हैं। तो मैं आपसे इतना ही गुजारिश करना चाहती हूँ कि जबरदस्ती दिलों पे कोई कब्जा नहीं कर सकता है। KCR साहब का किरदार ऐसा है, KCR साहब का साफ दिल है, वो हमेशा आपके वास्ते सोचते हैं, काम करते हैं। इसीलिए मेरा आपसे अदबन गुजारिश है, इस आने वाले चुनाव में कार के निशानी को वोट दीजिए, KCR साहब को वोट दीजिए। निजामाबाद के पूरे जिले में हमारे सारे MLA कैंडिडेट्स को जिताइए। निजामाबाद 2014। रोशनी टीवी का नया अंदाज छोटे से सफर में काबिल याद अख़वाल आपके लिए। अच्छा वक्त उसका होता है जो किसी का बुरा नहीं सोचता। जमाने का शिकवा ना करो बल्कि खुद को बदलो, क्योंकि पानी को गंदगी से बचाने का तरीका जूता पहनना है, ना कि सारे शहर में कालीन बिछाना। अच्छे लोगों का आपकी जिंदगी में आना आपकी किस्मत है और इन्हें अपनी जिंदगी में संभाल कर रखना आपका हुनर। दूसरों को नसीहत के फूल देते वक्त खुद को उनकी खुशबू लेना नहीं भूलना चाहिए। इंसान जब अंदर से टूट जाए तो किसी भी माहौल से खुश नहीं होता, चाहे आसपास बहुत मोहब्बत और एहसास करने वाले लोग ही क्यों ना हों। आपका बड़ा सरमाया वो लोग हैं जो आपकी गैर मौजूदगी में अपने रब से दुआओं में आपके लिए खैर मांगते हैं। प्यार करने वालों में कुछ और हो ना हो, लेकिन एक बात होती है, वो बेअदब नहीं होते। दिल दुखाओ कैसा भी बद्दुआ नहीं देते। छोटी छोटी बातों पर साथ छोड़ देने की धमकियां नहीं देते।
जो लोग आपके हैं वो हर हाल में आपके ही रहेंगे, जिन्होंने जाना होता है वो बेवजह भी चले जाते हैं, और जिन्हें निभाना होता है वो बेवजह भी निभा लेते हैं। आखिरी जमाने में जो चीज कम से कम मिलेगी वो भरोसामंद दोस्त और हलाल रिस्क होगा। रिस्क और इज्जत किसी के अपने इख्तियार में नहीं, अल्लाह ताला जिसे चाहे। इख्तिताम से खब नजर डालते आज के अहम सुर्खियों पर। चीफ मिनिस्टर केसीआर हेलीकॉप्टर में निजामाबाद पहुंचे, केसीआरए से मिले उम्मीदवार के साथ वजीर पोचराम श्रीनिवास तरी ने इस्तकबाल किए। शहर में वोटर दर्ज करने आए, दरख्वास्तों को फौरन ऑनलाइन में दर्ज करें, कलेक्टर राममोहन राव। इंतखाबात के दौरान चीफ मिनिस्टर केसीआर शुरू की अजीम शान जलसे आम इंतहाई अहमियत इख्तियार किया है। निजामाबाद एमपी कविता एक हफ्ते से जलसे आम की जगह पर मौजूद रहकर मुआयना किए। निजामाबाद के गिरिराज कॉलेज के ग्राउंड में कारगुजार टीम केसीआर की आमद के लिए जलसे की तैयारियां जोरों शोर में नजर आए। जगह जगह बैनर्स नजर आए, लेकिन कहीं पर भी उर्दू में बैनर्स नजर नहीं आए। अफसोस की बात है, बल्कि तेलंगाना में उर्दू जुबान को दूसरी जुबान का दर्जा दिया गया। आज के लिए फिलहाल इतना ही, इंशाल्लाह मजीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाजत, अल्लाह हाफिज़।